हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत बजी लब्बर। तो कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, आपके बस ठीक होंगे, आप भाई के दोस्त हैं, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बस भी ठीक है। तो गाइस, आपका भाई भारत एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइस, आपने जैसे थंबनेल में और टाइटल में आपने देख लिया होगा, गाइस मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मेरा क्या होता है कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ या फिर जो भी कुछ मेरे साथ होता है, बजी के साथ होता है, मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ माई फैमिली। जो हमारे भारत बजी लब्बर की जो फैमिली है, आप उसके मेंबर हैं, तो आप हमारी एक फैमिली का पार्ट हो। तो आपके साथ जो शेयर करना, फीलिंग शेयर करना, जो भी हमारे साथ होता है, सारा फीलिंग शेयर करना बनता है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइज, मैंने क्या डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। जितनी भी मेरी ब्रीडिंग फीमेल थी, मेरे यहाँ पे कंटिन्यू ब्रीडिंग चल रही है। फरवरी का महीना चल रहा है, ये जो वो महीना होता है, इस वाला महीने में तो जो ब्रीडिंग होती है बहुत पीक पे होती है, क्योंकि गर्मी आने वाली है कुछ दो महीनों बाद। फरवरी, हाफ फरवरी हो गया है, तो उस टाइम गर्मियों में तो हम जो ब्रीडिंग है वो रुकवा देते हैं, लेकिन फिलहाल जो महीना चल रहा है बहुत ज़बरदस्त ब्रीडिंग होती है उसके अंदर। लेकिन उसके बाद भी मेरे को जो ब्रीडिंग है मैंने रुकवा दी है। क्यों रुकवा दी है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, और सारा कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि मैंने ब्रीडिंग क्यों रुकवा दी है। आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने जो फीमेल थी मेरी, जो बजीज की फीमेल थी, जो मेल थे वो तो अलग कर दिए हैं, और जो उनकी फीमेल थी वो मैंने उनको अलग केज में डाल दिया है। ठीक है, मैक्सिमम जो फीमेल है वो मैंने केज में कर दिए हैं, लेकिन कुछ फीमेलें हैं जो बाहर रह गई हैं, जो मटकियों में हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनकी मटकियों में बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर मैं उनको डिस्टर्ब करूंगा तो बच्चे एक्सपायर कर जाएंगे। तो ठीक है, सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो बजीज जो फीमेल है वो कैसी फीमेल है और किस केज में उनको रखा हुआ है। तो क्रोनिक अंदर चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको शेयर करूंगा, वीडियो में बनी रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ी और बहुत इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो चलते हैं क्रोनिक की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, ये है हमारी बजीज का ब्रीडिंग सेटअप, ब्रीडिंग कॉलोनी, जहाँ पे हमारे बजीज ब्रीडिंग करते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको अब पता लग जाएगा, लेकिन आप जो पुरानी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है मेरी कॉलोनी। तो गाइस, सामने देख रहे होंगे सारी फीमेल आपको देख रहे होंगे, इस वाले केज में मैंने रखी हुई हैं, जो बिल्कुल एडल्ट फीमेल थी, बिल्कुल प्योर फीमेल थी, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो ब्रीड कर रही थी, वो सारी फीमेलें मैंने इस केज में मैंने रख दिए हैं। और कुछ जो फीमेल हैं वो मैंने, ये वाला केज है, इसके अंदर मैंने वो डाल दी हैं, और बाकी की फीमेल हैं वो आपको देख रहे होंगे मटकियाँ हैं, उन मटकियों में अभी बच्चे हैं, जिसके कारण मैंने वो उन जो फीमेल हैं उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, उनको मैंने पकड़ के नीचे वाले केज में नहीं डाला है। तो गाइज, सबसे पहले अब मैं बात आता है कि आपको बताने का कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमने ये वाला जो डिसीजन लिया है। तो ये जो मटकी देख रहे हो गाइज, आप जो मैंने मटकी जो फीमेलें फालिक हो चुकी हैं वो वाले मटकी मैंने यहाँ रख दिए, और बाकी की मटकी है वो बाहर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो गाइज अब करते हैं उस वाली जो डिसीजन है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि वो क्या कारण था। गाइज, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे घर में बहुत सडनली एक डिसीजन लेना पड़ गया, क्योंकि हमारे घर का रिनोवेशन होने वाला है। जहाँ पे हमारी कॉलोनी बनी हुई है वो वाली रूफ है वो टूट के दोबारा से बनेगी, और जिसके कारण से जो कॉलोनी है वो हमको तोड़नी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो कॉलोनी टूटेगी उसके बिहाफ पे हम जो कॉलोनी है वो हम जो ऊपर वाली छत है हमारी उस पर हम जो इनकी बहुत बड़ी कॉलोनी है वो बनाने वाले हैं। ये एक हमारे लिए, ये आपके लिए भी एक थोड़ा नॉलेजेबल हो जाएगा कि कैसे कॉलोनी बनाते हैं, सारा कुछ क्या कुछ खर्चा आता है, कैसी बनानी चाहिए, कम से कम खर्चे में हमें बड़ी कॉलोनी कैसे बनानी। जो कॉलोनी होगी वो होगी हमारी 20x10 की करीब होगी, उसकी हाइट भी हम रखेंगे तकरीबन 10 फिट ही रखेंगे उसकी हाइट भी। तो एक पूरा जो रूम टाइप में होता है वो बनाएंगे, कैसे कैसे बनाऊंगा सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहें, अब जैसे जैसे मैं आपको जैसे जैसे कॉलोनी बनेगी, सामान कितने का आ रहा है, कितने का क्या 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 सामान लगेगा उसमें, सारा कुछ मैं आपके सामने, खर्चा क्या होगा, कितना खर्चा होगा कितनी कॉलोनी बनाने में, सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो गाइज, ये शेयर करना ज़रूरी भी है क्योंकि आपके लिए भी एक थोड़ी सी नॉलेजेबल वीडियो की, आप अगर कॉलोनी बनाओगे तो कैसी कॉलोनी बनानी है, क्या क्या उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर में गर्मी के लिए सर्दी के लिए सारा कुछ उसमें हम क्या क्या उसमें चेंज करेंगे कॉलोनी के अंदर, तो सारा
सारा कुछ मैं आपके सामने वो वीडियो आएगी, एक साथ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं, लेकिन पार्ट में वीडियो आएगी, ठीक है, 2-4-5-10 पार्ट उसके बनेंगे, तो वो मैं शेयर करूंगा। और गाइस ये है कि मैंने इनको अलग कैसे किया है, फीमेल लोग लोग सोच रहे होंगे कि जो फीमेल अलग करी है क्या उनके उसमें अंडे नहीं थे, क्या बच्चे नहीं थे। गाइस मैंने क्या किया है कि जिस फीमेल के जो बच्चे हैं वो सेल्फ हो गए हैं, यानी कि एक एक करके जिस भी फीमेल के जो बच्चे हैं सेल्फ हो गए हैं, उस फीमेल को मैंने पकड़ के एक एक करके मैं, क्योंकि ये अब से नहीं चल रहा प्लान गाइस, ये काफ़ी दिनों से जो ये प्लान में सोच रखा है, और काफ़ी दिनों से इन बजीज की वजह से हमारा जो काम है, घर का काम है, वो 1-2 महीने के लिए पेंडिंग हो गया। क्योंकि ये घर वाले तो बोल रहे थे कि ये देख लो कि इसको काम तो कराना ही है, लेकिन मैंने बोला कि हमारे बजीज हैं, उनके बच्चे हैं कॉलोनी के अंदर, वो बच्चे सारे मर जाएंगे अगर इसको गाइस हम सडनली यहाँ से हम इनको हटाते जैसे भी करते, तो जो कॉलोनी के मटके में बच्चे हैं वो मर जाते। इसलिए हमने रिसेंटली 2 महीने से ये मैं कर रहा हूं, जैसे जो ही फीमेल फारिक होती है उसको उठा के मैं डाल देता हूं इस वाले केज में। तो गाइस छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी, आगे भी अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो है वो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे कैसे सारा कुछ बिल्कुल न्यू तरीके से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, हमारे बजेज यही रहेंगे, ठीक है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहता हूँ, नई नई वीडियो आएगी आपके सामने भी, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक नमस्कार, बाय, अपना ख्याल रखें, अपने परसों चल गए, खुदा हाफिज़।